नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का कुशवाहा। आज हम आपको बताने वाले हैं भोला की झाल पर बनी हुई सबसे पुरानी पानी से चलने वाली चक्की के बारे में। तो हमारे साथ जानिए क्या है इस चक्की का इतिहास। पंचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की, मेरठ के भोला गांव में कंगनहर पर बनी है ये ऐतिहासिक पंचक्की। इसका निर्माण करीब 90 वर्ष पहले 1929 में अंग्रेजों ने करवाया था। ये उस समय की बात है जब भारत के ग्रामीण इलाकों में संसाधनों का अभाव था। महिलाएं दिन भर कड़ी मेहनत कर हाथ की चक्की से आटा पीसती थी, तब कहीं जाकर परिवार के लिए 2 जून की रोटी का प्रबंध हो पाता था। पंचक्की का निर्माण अंग्रेजों ने क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर कराया था। इसके लिए गंगनहर पर बांध बनाकर पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। उस समय 6 बड़ी बड़ी चक्की बनाई गई थी, जिनमें से 4 अभी तक सुचारू रूप से काम कर रही हैं। पानी की शक्ति से चलने वाली यह पंचक्की पिछले 90 वर्षों से लगातार काम कर रही है। यह देखने में जितनी आकर्षक है उतना ही बढ़िया काम करती है। कहा जाता है कि उस समय आसपास के कई दर्जन गांव के ग्रामीण इसी पंचक्की पर आटा पिसवाने आते थे। शायद यही कारण है कि अपनी बारी का इंतजार करते करते ग्रामीणों को 2 से 3 दिन का इंतजार भी करना पड़ता था। उस समय इस सुविधा का बेहद कम शुल्क रखा गया था, या यूं कहिए कि पिसाई का शुल्क किसानों के पूर्व नियोजित लगान से काट लिया जाता था। मौजूदा समय में पंचक्की के सारे अधिकार सिंचाई विभाग के पास हैं। उसी के माध्यम से खुली नीलामी में इसका ठेका दिया जाता है, जिसके बाद ठेकेदार अपनी सुविधा के हिसाब से अनाज की पिसाई दरें तय करता है। गेहूं, चना, मटर, जौ व अन्य अनाजों की तय की गई दरें सूचना पट पर लिखी होनी अनिवार्य है। वर्तमान में पंचक्की का ठेका भोला गांव के ओमपाल सिंह के पास है। आज भी इस पंचक्की पर भोला व सिसोला समेत कई गांवों के ग्रामीण आटा पिसवाने आते हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं ग्रामीण सोहनपाल सिंह। इनसे ही पूछते हैं कि इस चक्की का ग्रामीणों को क्या फायदा है। बेटे, ये तो मैं इतना 90 साल का तो हुआ नहीं, पर जैसा सुनाया 1929 से चालू है। और इसका फायदा ये है कि इसका आटा भी बढ़िया रहता है पिसा हुआ। जो घरेलू या वैसी है चक्की, उनकी जो है वे 15 दिन में थोड़ा गड़बड़ हो जा, परंतु इसका आटा 2 महीने तक सुरक्षित रहता है, सही रहता है, खराब नहीं होता। पुराने में तो चक्की थी नहीं जी, बस यही थी जी। भोला की झाल देखने में सुंदर जगह है। प्रतिदिन यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। यहीं पास में ही 1929 में बना हुआ बिजली घर है। सलावा की तरह इसे भी पनबिजली परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अलावा गंगनहर से कई छोटे बड़े रजवाहे निकाले गए हैं, जो देखने में काफी आकर्षक हैं। यही कारण है कि भोला की झाल मेरठ में आने वाले पर्यटकों को लुभाने में कामयाब रही है। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए सफर पे। तब तक के लिए नमस्कार।